हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले स्पीड गेम। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए टॉयज, गेम्स और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। इस गेम के लिए हमें पूरी एक ताश की गड्डी चाहिए कि इस गेम में जो प्लेयर सबसे पहले अपने पत्ते खत्म कर लेगा वो गेम को जीत जाएगा। लेकिन गेम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का गेम है और जैसा कि नाम है इसका स्पीड, तो गेम भी स्पीड में ही खत्म होता है। ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी से खेले जाने वाले गेम पसंद है तो उनको ये बड़ा पसंद आने वाला है। गेम के लिए हम पाँच पाँच पत्ते पहले हर प्लेयर्स को हम बांट देंगे। तो अब हम 15-15 पत्ते और बांट देंगे प्लेयर्स को। अब हम जो इसमें पत्ते बचे हैं उनमें से हम पांच पत्ते तो सेंटर में अलग से रख लेंगे एक साथ ही, दो पत्ते और हम अलग से रखने वाले हैं और बाकी जो हम पांच पत्ते हैं इनको हम इधर साइड में रख लेंगे। तो दोस्तों इस गेम में पत्ते कुछ इस तरीके से जम गए हैं। अब हमें सिर्फ जो ये पांच पांच पत्ते दोनों प्लेयर्स को मिले हैं, जैसे इधर वाले प्लेयर को ये पांच और इधर वाले को ये पांच, तो इन्हीं को सिर्फ हाथ में उठाना है और इन्हीं पत्तों को देखना है। इसके अलावा कोई भी पत्ते उसको नहीं देखने हैं प्लेयर को। दोनों प्लेयर्स इनको हाथ में रखने वाले हैं और ये जो दोनों पत्ते हैं इनको भी हम बीच वालों को खोल देंगे। इसमें चलने का ये तरीका होता है कि प्लेयर्स को इन्हीं पांच पत्तों में से चलना होता है और पांच पत्तों में से अब उसको चलना क्या है, जैसे ये छह है तो छह के ऊपर वो पांच या सात चल सकता है। तो हमारे पास सात है तो प्लेयर यहाँ पे सात चल सकता है, नौ के ऊपर दस चल सकता है या फिर आठ चल सकता है, दोनों में से किसी के ऊपर भी चल सकता है कोई भी प्लेयर। और जो प्लेयर पहले चल देगा उसी का माना जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेयर स्पीड में गेम को खेलते हैं तो कोई किसी की बारी का वेट नहीं करेगा। अगर उसको दिख रहा है कि वो यहाँ सेंटर में पत्ते चल सकता है तो प्लेयर उनको चल सकता है। यदि प्लेयर के पास में पांच पत्तों से कम हो जाते हैं तो वो उसके पास जो उसको 15 पत्ते एक्स्ट्रा दिए हैं वो उनमें से उठाएगा और वापस से इनको पांच पत्ते कर लेगा। वो गेम में बीच में इनको कभी भी कर सकता है। हमारा टारगेट भी यही है, हमको हमारे हाथ के जो पत्ते हैं और हमारे पास जो ये 15 पत्ते हैं ये खत्म करने हैं। जो प्लेयर इनको खत्म कर लेगा वो गेम को जीत जाएगा। तो अब हम इसको खेलना स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आगे एक दो कंडीशन और कौन सी बनने वाली हैं जिनसे गेम बीच में रुक सकता है और हमें उनको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी प्लेयर इसको स्टार्ट कर सकता है। गेम में हम बोलेंगे स्पीड और जिस प्लेयर को जो दिख रहा होगा वो उस पर चलना शुरू करेगा। तो जैसे मुझे ये सात दिख रहा है, अब मेरे पास इसमें चलने को कुछ भी नहीं है, प्लेयर टू के पास भी कुछ भी नहीं है उसको ऐसा कि जो चल सके। तो अब हमारे पास चार पत्ते रह गए हैं तो हम इसको वापस से पांच कर लेंगे और हमारे पास पांचवा करने के बाद भी इसमें चलने को कुछ भी नहीं है। प्लेयर एक साथ में एक एक पत्ता इसमें से उठाएंगे जो ये साइड में हमने पत्ते रखे हुए हैं और इनको ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ रख देंगे और फिर अचानक से तेजी से चलना स्टार्ट करेंगे। वापस से इसको खोलेंगे और इसको खोलने के बाद वापिस से स्टक हो गया है। तो गेम अब रुक गया है क्योंकि साइड के जो पत्ते हैं वो भी खत्म हो गए हैं और अभी भी प्लेयर्स के हाथ में पत्ते बाकी हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, ये अपने जो पत्ते हैं ये तो आप अपने पास ही रख लेंगे और ये जो बीच के जो पत्ते इकट्ठे हो गए हैं सभी को हम उठाएंगे और उठाने के बाद इनको शफल कर लेंगे और शफल करने के बाद दो गड्डियाँ बना लेंगे इनकी पहले की तरह ही और इनको हम यहाँ रख लेंगे और दो पत्ते इसमें से खोल के और बीच में रख लेने हैं और फिर हमें हमारे पत्तों में से दोबारा चेक करना है। मेरे पास पांच पत्ते बचे हैं, प्लेयर टू के पास एक पत्ता बचा है। जो प्लेयर सबसे पहले पत्ते रख लेगा वो गेम को जीत जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले प्लेयर अपने पत्ते ख़त्म करता है। तो ये हम खोल लेते हैं चार पाँच। तो दोस्तों प्लेयर टू ने अपने सारे पत्ते ख़त्म कर दिए हैं और हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं और दूसरे प्लेयर को जैसे ही ये जब पत्ते उसके ख़त्म हो जाते हैं तो उसको बोलना है स्पीड। दोस्तों प्लेयर टू के पत्ते ख़त्म हो गए हैं तो गेम को प्लेयर टू जीत गया है। हमें ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि प्लेयर को एक बार में एक ही पता चलना है, ऐसे नहीं कि मैं ये सारे पत्ते एक साथ चल दूँ, मुझे पहले सत्ता चलना पड़ेगा फिर चक्का चलना पड़ेगा। हमेशा हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हाथ में पांच पत्तों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो कैसा लगा आपको गेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको बैठ के खेलिएगा। और यदि आपने पहले भी इस गेम को खेला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको यदि हमारे वीडियोज इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।